क्लीन कृष्णाय नम गंगणपते नमह नमस् चंडिकाए नमस् चंडिकाए नमस् चंडिकाए आशा है आप सभी बहुत अच्छे से हैं और जन्माष्टमी के लिए तैयार हो रहे हैं इस वीडियो में हम पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत उत्सव और रात्रि जागरण की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे और हम ये भी देखेंगे की इस साल आने वाली जन्माष्टमी अपने आप में अद्भुत क्यों है इसके साथ साथ हम इस टॉपिक पर भी बात करेंगे की कैसे माँ भगवती स्पेसिफिकली उनके योग माया स्वरूप का श्री कृष्ण जन्माष्टमी एक गहरा संबंध है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी तंत्र मंत्र साधना के लिए शक्ति साधना के लिए एक बहुत प्रचंड शक्तिशाली रात है तो जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस है और कोई बिरला ही होगा जो जन्माष्टमी के बारे में ना जानता हो जन्माष्टमी का व्रत महोत्सव मनुष्यों के सब पापों को हर लेने वाला कहा गया है संतान सुख देने वाला कहा गया है भोग और मोक्ष देने वाला कहा गया है और कहा गया है कि इसको करने से करोड़ों एकादशी व्रतों का फल मिलता है और मृत्यु नहीं होती है और न ही स्त्रियों का गर्भपात होता है श्रावण की कृष्णा अष्टमी मतलब जन्माष्टमी, की आदि तिथि भी है जो दान के पुण्य को अक्षय करने वाली है और मनुष्यों के लिए पितृ कर्म में अत्यंत पुण्य देने वाली है इसलिए जन्माष्टमी को किया गया दान पुण्य और पितृ कोई भी काम आपको बहुत बहुत गुना ज्यादा फल देता है जन्माष्टमी की रात्रि को ही मोह रात्रि भी कहा जाता है और इसी दिन काली जयंती भी मनाई जाती है दस महाविद्या में जो सबसे पहले काली माँ हैं उनकी जयंती अगर आप देखेंगे तो हर कृष्ण अष्टमी को काली जयंती भी होती है चार महारात्रियाँ तंत्र और मंत्र साधना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बताई गई हैं और उनमें से एक रात्रि है भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी जिसको हम मोहरात्रि भी कहते हैं कभी ने सोचा है जन्माष्टमी को मोहरात्रि क्यों बोला जाता है और इसके पीछे का रीजन ये है कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो भगवती ने सभी को मोह में डाल दिया था सभी दुष्ट लोग मोह में पड़ गए थे और सभी भले लोग मोह से बाहर आ गए थे अगर आपको कृष्ण जन्म की कथा याद हो तो कृष्ण जन्म होते ही कंस के सभी द्वारपाल सो गए थे और ताले बेड़िया अपने आप खुल गए थे वसुदेव बहुत आसानी से बाल कृष्ण को लेकर कारावास से निकल आए थे ये माँ भगवती की मोह माया ही थी और दुर्गा सप्तशती में भी ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति भगवती निंद्रा देवी भगवती महामाया की स्तुति करते हुए कहते हैं भयंकर काल रात्रि महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो इसलिए इन रात्रियों में शक्ति साधना का बहुत विधान है कृष्ण जन्माष्टमी इनमें से मोहरात्रि है और ये रात्रि तंत्र मंत्र के लिए बहुत महान मानी जाती है ये भी कहा जाता है की इन चार रात्रियों में मंत्रों का कीलन भी हट जाता है माँ मातंगी की साधना का विधान भी मोहरात्रि से जोड़ा जाता है और काली जयंती भी कृष्णाष्टमी को ही मनाई जाती है सबसे पहले श्री कृष्ण जन्माष्टमी के महत्व की बात करते हैं एंड यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगी कि वेल इफ़ यू रियली 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 लव कृष्णा देन यू वॉन्ट केयर अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द जन्माष्टमी व्रत सिर्फ़ ये फैक्ट कि जन्माष्टमी छोटे कान्हा का जन्मदिन है जन्माष्टमी के सभी बेनिफिट्स स्परिचुअल एंड मटेरियलिस्टिक इन सभी को आउटवेट कर देगा बट लेट्स टॉक अबाउट जन्माष्टमी के आध्यात्मिक और भौतिक महत्व क्या क्या हैं जन्माष्टमी में तीन चीज़ें प्रमुखता से की जाती हैं और इन सभी का बहुत महत्व है सबसे पहला है व्रत या उपवास रखना दूसरा है महोत्सव मनाना जिसमें आप श्री कृष्ण के लिए प्रसूति गृह और पालना इत्यादि का निर्माण करते हैं उनको सजाते हैं और उसमें कृष्ण को स्थापित करते हैं और तीसरा है रात्रि जागरण और इसके साथ साथ जन्माष्टमी उन महारात्रियों में से एक है जो तंत्र मंत्र साधना के लिए भी बहुत शक्तिशाली हैं इसके लिए हम पुराण और संहिता को देखेंगे अगर आपको किसी भी व्रत के बारे में जानकारी चाहिए तो आपको पुराणों में उनको देखना चाहिए ऑलमोस्ट सभी पुराणों में तिथियों व्रतों इत्यादि के महत्व के बारे में बताया गया है और कई बार बहुत डिटेल से पूजा कैसे की जाए उपवास की पद्धति क्या है इन सब चीज़ों के बारे में भी बताया जाता है और कृष्ण जन्माष्टमी तो एक बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण व्रत है इसके बारे में आपको ऑलमोस्ट सभी पुराणों में कुछ ना कुछ मिल जाएगा तो सबसे पहले देखते हैं नारद पुराण में क्या लिखा है नारद पुराण में सनातन जी नारद मुनि को बताते हैं यही कृष्ण जन्माष्टमी तिथि है जो मनुष्यों के सब पापों को हर लेने वाली कही गई है श्री कृष्ण के जन्म के दिन केवल उपवास करने मात्र से मतलब अगर आप सिर्फ व्रत रख रहे हैं सिर्फ उपवास करने मात्र से मनुष्य सात जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है इस जन्माष्टमी के समान दूसरा कोई व्रत तीनों लोगों में नहीं है जिसको करने से करोड़ों एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है कृष्णाष्टमी पर गंगा स्नान का भी बहुत महत्व बताया गया है और इसके बारे में सनातन जी बताते हैं कृष्णाष्टमी मतलब भाद्रपद कृष्णाष्टमी को गंगा स्नान करने से साधारण तिथि के स्नान की अपेक्षा सहस गुना फल ज़्यादा प्राप्त होता है और कहा गया है कि सभी विशेष पर्वों पर आपको गंगा स्नान करने से उसका सौ गुना पुण्य प्राप्त होता है तो गंगा स्नान का अपना महत्व है पर्वों पर अब देखते हैं भविष्य पुराण में क्या कहा गया है भविष्य पुराण में जन्माष्टमी व्रत और देव की उत्सव की महिमा बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ही बोलते हैं महाराज इस एक ही व्रत के कर लेने से सात जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं इस प्रकार जो मेरा भक्त पुरुष अथवा नारी देवी देवकी के इस महोत्सव को प्रतिवर्ष करता है वह पुत्र संतान आरोग्य धन धान्य सदग्रह दीर्घायुष्य और राज्य तथा सभी मनोरथों को प्राप्त करता है जिस देश में यह उत्सव किया जाता है मतलब जन्माष्टमी का उत्सव किया जाता है वहाँ जन्म मरण आवागमन की व्याधि अवृष्टि तथा ईति भीति आदि का भय नहीं रहता है मेघ समय पर वर्षा करते हैं पांडुपुत्र जिस घर में यह देव की व्रत किया जाता है वहाँ अकाल मृत्यु नहीं होती है और ना ही गर्भपात होता है तथा वैधव्य दौर्भाग्य एवं कलह नहीं होता है जो एक बार भी इस व्रत को करता है वह लोक को प्राप्त होता है और इस व्रत के करने वाले संसार के सभी सुखों को भोग कर अंत में विष्णुलोक में निवास करते हैं तो ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण भविष्य पुराण में बता रहे हैं आगे बोलते हैं पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने भी ऐसा ही कहा था कि जो अष्टमी को उपवास एवं जागरण पूर्वक व्रत करता है तो यहाँ पे आप उपवास भी कर रहे हैं और फिर रात्रि जागरण भी कर रहे हैं वो करोड़ों जन्मों में उपार्जित पापों से छुटकारा पा जाता है कितनी बड़ी बात है करोड़ों जन्मों में उपार्जित पापों से आप छुटकारा पा सकते हैं अगर आप अष्टमी को व्रत और फिर जागरण भी करते हैं शुद्धा जन्माष्टमी तिथि को जागरण पूर्वक व्रत का अनुष्ठान करके मनुष्य सौ जन्मों में किए हुए पापों से छुटकारा पा जाता है इसमें संशय नहीं है जो मनुष्य शुद्धा जन्माष्टमी में केवल उपवास मात्र करके रह जाता है व्रतोत्सव या जागरण नहीं करता वह अश्वमेध यज्ञ के फल का भागी होता है जो उपवास करने में असमर्थ हो अगर आप उपवास नहीं कर सकते हैं तो आप एक ब्राह्मण को भोजन कराएं अथवा उसको उतना धन दे दें जिससे वह दो बार भोजन कर ले अथवा प्राणायाम मंत्रपूर्वक एक सहस्र गायत्री का जप करें मनुष्य उस व्रत में बारह हजार मंत्रों का यथार्थ रूप से जप करे तो और उत्तम है वत्स नारद मैंने धर्मदेव के मुख से जो कुछ सुना था वह सब तुम्हें कह सुनाया और ये सब आप भविष्य पुराण में पढ़ सकते हैं बल्कि भविष्य पुराण नारद पुराण इन सब में और भी बहुत सारी डिटेल्स दी गई हैं कि आपको पूजा कैसे करनी चाहिए श्री कृष्ण भगवान की पूजा कैसे करें बहुत सारी विधियाँ बताई गई हैं देव की व्रत कैसे करें महोत्सव कैसे मनाएं इन सब चीज़ों के बारे में बहुत सारी डिटेल्स हैं तो आपको पुराणों को पढ़ना चाहिए और योग में कहा भी गया है कि स्वाध्याय एक यम नियम में आता है स्वाध्याय स्वयं पढ़ना आप पढ़िए आपको बहुत बहुत चीजें मिलेंगी अब देखते हैं स्कंद स्कंद पुराण पुराण में में क्या बताया गया है में कहते हैं कि बहुत सी तिथियों के साथ साथ श्रावण की कृष्णा अष्टमी ये मनवंतर की आदि तिथियां हैं जो दान के पुण्य को अक्षय करने वाली हैं इन्हीं तिथियों में श्रद्धा पूर्ण हृदय से स्नान करके पितरों के लिए दिया हुआ तिल मिश्रित जल भी उनके लिए अक्षय तृप्ति का साधक होता है इन तिथियों में स्नान करके जो मनुष्य पितरों के उद्देश्य से तिल और कुश मिश्रित जल भी देता है वह परमगति को प्राप्त होता है तो बेसिकली आपकी जो जन्माष्टमी तिथि है ये एक मनवंतर तिथि है मनवंतर की आदि तिथि है और इसमें आप दान अगर करते हैं तो उसकी अक्षय महिमा है और अगर आप पितरों के निमित उनको कुछ मिश्रित जल भी देते हैं तिल और कुछ मिश्रित जल भी देते हैं तो उससे आपके पितृ परम गति को प्राप्त होते हैं इसलिए बोला गया है कि कृष्ण जन्माष्टमी में दान और पितरों की तृप्ति भी कई गुना ज्यादा प्रभावकारी होती है अब देखते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण में क्या लिखा है ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में आपको जन्माष्टमी व्रत के पूजन उपवास और महत्व का बहुत विस्तार से वर्णन मिलेगा जैसा की मैं बता रही हूँ आप पुराणों में ढूंढिए व्रत को जो व्रत आपके मन के करीब हो, जिस जिसकी तरफ आपका मन जाए उन व्रत उपवास के बारे में तिथि के बारे में पढ़िए और आपको बहुत चीज़ें वहाँ पे समझने को मिलेंगी तो यहाँ पे ब्रह्म पुराण में नारद जी भगवान से जन्माष्टमी व्रत का महत्व और उससे प्राप्त होने वाले फल के बारे में पूछ रहे हैं तो भगवान नारायण बताते हैं कि यदि आधी रात के समय अष्टमी तिथि का एक चौथाई यंश भी दृष्टिगोचर होता है तो वही व्रत का मुख्य काल होता है उसी में साक्षात हरि ने अवतार ग्रहण किया है यह जय और पुण्य प्रदान करती है इसलिए जयंती कही गई है इसमें उपवास व्रत करके विद्वान पुरुष जागरण करते हैं रात्रि जागरण करते हैं और पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा था कि जो अष्टमी को उपवास एवं जागरण पूर्वक व्रत करता है वह करोड़ों जन्मों में उपार्जित पापों से छुटकारा पा जाता है इसमें संचय नहीं है यही बात हमें पहले भविष्य पुराण में पढ़ने को मिली थी और यही बात ब्रह्म वैवर्त्य पुराण में लिखी है कि व्रत और उपवास व्रत उपवास और जागरण करके मनुष्य करोड़ों जन्मों में उपार्जित पापों से छुटकारा पा सकता है अब ये देखते हैं कि साल 2024 की जन्माष्टमी इतनी विशेष क्यों है और इसका भी आपको जवाब ब्रह्म वैवर्त पुराण में ही मिलेगा जहाँ पे भगवान नारायण बताते हैं कि देखिए रोहिणी व्रत सबको सम्मत है उसका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए किंतु यदि बुध अथवा सोमवार से युक्त जयंती मिल जाए तो उसमें व्रत करके व्रती पुरुष गर्भ में वास नहीं करता है मतलब उसका जन्म मरण का जो बंधन है वो मुक्त हो जाता है क्योंकि फिर वो कभी भी गर्भ में नहीं आएगा गर्भ में वास नहीं करेगा यदि उदय काल में किंचित मात्र भी कुछ अष्टमी हो और संपूर्ण दिन में रात में नवमी हो तथा बुध सोम एवं रोहिणी नक्षत्र का योग प्राप्त हो तो वह सबसे उत्तम व्रत का समय है सैकड़ों वर्षों में भी ऐसा योग मिले न मिले कुछ कहा नहीं जा सकता ऐसे उत्तम व्रत का अनुष्ठान करके व्रति पुरुष अपनी करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है जो संपत्ति से रहित भक्त मनुष्य है वे व्रत संबंधी उत्सव के बिना भी यदि केवल उपवास मात्र भी कर ले तो भगवान माधव उन पर उतने से ही प्रसन्न हो जाते हैं देखिए तीन चीज़ें कही गई हैं व्रत रखना महोत्सव मनाना और रात्रि जागरण करना अगर आप इनमें से मान लीजिए किसी कारणवश महोत्सव नहीं मना पा रहे हैं आजकल की हमारी ज़िंदगी ऐसी है कि हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं आप रात में जग भी नहीं सकते हैं लेकिन व्रत एक ऐसी चीज़ है जो आप रख सकते हैं और आपको कोई हेल्थ कंडीशन हो तो उसमें आपको देखना पड़ेगा लेकिन ज़्यादातर केसेस में हम लोग व्रत रख सकते हैं तो आपको व्रत ज़रूर रखना चाहिए क्योंकि आप भगवान कृष्ण के निमित्त छोटे से छोटा भी काम करेंगे वो जन्माष्टमी में करोड़ों 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 गुना आपको फल देगा और फल का मतलब सिर्फ भौतिक कामनाओं की पूर्ति ही नहीं है आध्यात्मिक जर्नी में भी आपको वो भगवान की और निकट पहुँचाएगा तो आप कोशिश करिए कि व्रत ज़रूर रखिए और कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत एकादशी के व्रत जैसा होता है मैं कोशिश करती हूँ कि उस दिन अन्न नहीं खाऊं अन्न नहीं खाना चाहिए एकादशी में कायदे से आपको अन्न नहीं खाना चाहिए कोशिश करनी चाहिए कि सिर्फ पानी के ऊपर व्रत रख सकें अगर पानी पे नहीं रख सकते हैं तो आप फल ले लें लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बार बार पानी पी रहे हैं बार बार फल खा रहे हैं पूरे दिन आप कुछ ना कुछ खा रहे हैं अगर आप कुछ एक व्रत होते हैं जैसे महाशिवरात्रि का व्रत एकादशी का व्रत और जन्माष्टमी का व्रत हरतालिका तीज वगैरह का व्रत जो होता है ये ऐसे व्रत होते हैं जिसमें आपको खाना नहीं चाहिए ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि पानी भी ना पिए अगले वीडियो में मैं व्रत से रिलेटेड कुछ रूल्स होते हैं जो मैंने पुराण में ही पढ़े हैं वो सब उन सब के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगी बट आप कोशिश करिए कि व्रत को आप बिना कुछ खाए पिए सिर्फ पानी पर रहकर ही इसका पालन करें नाउ लेट्स स्टॉक अबाउट भगवान कृष्ण एंड कनेक्शन ऑफ माँ योग माया जो माँ भगवती का ही एक स्वरूप है विद जन्माष्टमी तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जन्माष्टमी भगवान कृष्ण माँ योग माया इन सब का क्या कनेक्शन है और ये प्रकरण भागवत में दिया है कि कैसे माँ योग माया ने कृष्ण जन्म पर सबको मोहित कर दिया था पर ये योग माया माँ थी कौन ये माँ भगवती का ही एक अंश थी जो कृष्ण भगवान की शक्ति कही गई हैं और वो स्वयं यशोदा माँ के गर्भ से एक बच्ची के रूप में जन्म लेकर आई थीं आप सबको वो कहानी तो पता होगी कि कैसे वसुदेव ने देव की माँ के पुत्र जो थे कृष्ण उनको यशोदा माँ की जो पुत्री थी उनसे अदल बदल कर दिया था लेकिन उनकी पुत्री जो थी यशोदा माँ की वो कोई साधारण कन्या नहीं थी वो मां भगवती स्वयं थी मां मां मा ही थी वो देवी ही थी जो एक छोटी सी बच्ची के रूप में आई थी और उनका रीजन ही यही था कि उन्होंने सबको मोह में डाल दिया था कृष्ण जन्म के समय और वो खुद वहां पे कंस को बताने आई थी कि तुम किसको मारने जा रहे हो तुम्हारे को तो मारने वाला ऑलरेडी ही पैदा होके सकुशल बैठा है कहीं पे तो ये माँ का तेज था तो उसी का छोटा सा प्रकरण है यहाँ पे सुनिए उसी समय नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से उस योग माया का जन्म हुआ जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्म रहित है यहाँ पे ऑलरेडी भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है और उसी समय नंद के यहाँ माँ यशोदा के गर्भ से योग माया का जन्म होता है इन्हीं योग माया ने द्वारपाल और पूर्ववासियों की समस्त इंद्रिय वृत्तियों की चेतना हर ली और वे सब के सब अचेत होकर सो गए माँ ने सबको मोहित कर दिया सब माँ की माया से ये माँ तो वो हैं जिन्होंने भगवान विष्णु तक को मोहित कर दिया था और वो निंद्रा में चले गए थे उसकी एक अलग कहानी है जो दुर्गा सप्तशती में दी गई है उस पर कभी बाद में बात करेंगे पर माँ की यहाँ पे माँ महामाया योग माया की माया थी कि सब लोग सो गए थे सबके सब, के सब। जो बंदी ग्रह के रक्षक थे जो बंदी ग्रह के बाहर तैनात थे वो सब के सब सो गए बंदी ग्रह के सभी दरवाजे बंद थे उनमें बड़े बड़े किवाड़ लोहे की जंजीरें और ताले जड़े हुए थे और उनसे बाहर जाना बहुत ही कठिन था परंतु वसुदेव भगवान जी श्री कृष्ण को गोद में लेकर ज्यो ही उनके निकट पहुँचे त्यो ही वे सब दरवाजे अपने आप खुल गए ठीक वैसे ही जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है उस समय बादल धीरे धीरे गरज कर जल की फुहारे छोड़ रहे थे इसलिए शेषनाग जी अपने फनों से जल को रोकते हुए भगवान के पीछे पीछे चलने लगे उन दिनों बार बार वर्षा होती रहती थी इसलिए यमुना जी का पानी बहुत बढ़ गया था उनका प्रवाह गहरा और तेज हो गया था तरल तरंगों के कारण जल पर भी फेन फेन ही हो रहा था सैकड़ों भयानक भवर पड़ रहे थे जैसे सीतापति भगवान श्री राम को समुद्र ने मार्ग दे दिया था वैसे ही यमुना जी ने भगवान को मार्ग दे दिया वसुदेव जी ने नंद बाबा के गोकुल में जाकर देखा कि सब सबके सब गोप नींद में अचेत पड़े हुए हैं उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा की शैया पर सुला दिया और उनकी नवजात कन्या लेकर वे बंदी में लौट आए जेल में पहुंचकर वसुदेव जी ने उस कन्या को देव की शैया पर सुला दिया और अपने पैरों में बेड़िया डाल ली तथा पहले की तरह वे बंदी में बंद हो गए उधर नंद पत्नी यशोदा जी को इतना तो मालूम था कि उनको कोई संतान हुई है परंतु वे यह ना जान सकी कि पुत्र है या पुत्री क्योंकि एक तो उन्हें बड़ा परिश्रम हुआ था और दूसरे योग माया ने उन्हें अचेत कर दिया था तो योग माया ने हर जगह सबको बस मोहित करके सुला दिया फिर कंस को पता चलता है और कंस आता है और अपनी उस नन्ही सी नवजात भांजी के पैर पकड़कर कंस ने उसे बड़े जोर से एक चट्टान पे मारा स्वार्थ ने उसके हृदय से सौहार्द को समूह उखाड़ फेंका था परंतु श्री कृष्ण की वह छोटी बहन साधारण कन्या तो थी नहीं देवी थी उसके हाथ से छूटकर तुरंत आकाश में चली गई और अपने बड़े बड़े आठ हाथों में आयुध लिए हुए दीख पड़ी वह माला, वस्त्र चंदन और मणिमय आभूषणों से विभूषित थी उनके हाथों में धनुष त्रिशूल बाण, ढाल, तलवार शंख चक्र और गदा ये आठ आयुध थे सिद्ध चारण गंधर्व अप्सरा किन्नर और नागण बहुत सी भेंट की सामग्री समर्पित करके उनकी स्तुति कर रहे थे उस समय देवी ने कंस से यह कहा रे मूर्ख मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए किसी स्थान पर पैदा हो चुका है अब तू व्यर्थ निर्दोष बालकों की हत्या ना किया कर कंस से इस प्रकार कहकर भगवती योग माया वहां से अंतर ध्यान हो गई और पृथ्वी के अनेक स्थानों में विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हुई और एक पुराण में लिखा हुआ है कि बेसिकली जो योग माया थी वो विंध्याचल विंध्यवासिनी बनके विंध्याचल पर्वत पे विराजमान हो गई तो ये कनेक्शन है माँ योग माया और भगवान श्री कृष्ण का आप अगर देखेंगे तो दस महाविद्या जो हैं उनके साथ उनके दस भगवान विष्णु के दस अवतार भी जुड़े हुए हैं और भगवान कृष्ण के साथ माँ काली का नाम आता है तो आप अगर देखेंगे तो कृष्ण और काली इन दोनों का एक अद्भुत कनेक्शन है जिसको हम किसी वीडियो में बहुत डिटेल से कवर करेंगे पर जन्माष्टमी पर ही काली जयंती का होना अपने आप में ही बताता है कि कृष्ण और काली क्या हैं एक दूसरे के लिए तो चलिए जन्माष्टमी व्रत एक बहुत ही प्यारा और महत्वपूर्ण व्रत है और इसलिए कोशिश करिएगा कि अपनी क्षमता के अनुसार जितना हो सके इस व्रत के निमित्त कुछ करें अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि जन्माष्टमी पर हम कैसे भगवान कृष्ण और अन्य सभी देव देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर सकते हैं और उसके बाद फिर हम बात करेंगे की व्रत का पारण कैसे किया जाना चाहिए आशा है आपका दिन शुभ हो नमस् चंडिकाए